देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की है। कहा जाता है कि जिस राज्य के राजा को अपनी प्रजा की चिंता स्वयं हो तो वहां की प्रजा भला दुखी कैसे रह सकती है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के भदोही तहसील क्षेत्र में आपदा मामले को लेकर है, जहाँ बीते वर्ष के सितंबर माह में भदोही जनपद में हुए मूसलाधार बारिश के दौरान अकेले भदोही तहसील क्षेत्र में जनहानि के साथ ही साथ एक दर्जन मकान जहां पूरी तरह धराशाही हो गए थे, तो वहीं सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा था। इस आपदा में 3 जान भी गई थी, जिसमें तहसील क्षेत्र के कंधिया में दीवार गिरने से पति पत्नी की भी मौत शामिल है। बीते वर्ष सितम्बर माह में आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट जिला अधिकारी भदोही जनपद द्वारा शासन को भेजी गई थी। भेजी गई रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा से पीड़ित लोगों की परेशानी को तुरंत संज्ञान में लिया और आपदा से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने का भदोही जिला प्रशासन को निर्देश दिया। अब आपदा पीड़ित को तुरंत राहत पहुंचाने का जिम्मा भदोही तहसील प्रशासन का था, जिसकी जिम्मेदारी बाखूबी तहसीलदार बीडी गुप्ता ने निभाई। एक दौर हुआ था जब उत्तर प्रदेश में अन्य सरकारें हुआ करती थी, ऐसे में आपदा पीड़ितों को राहत पाने के लिए जिला व तहसील प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन योगी राज में आपदा पीड़ितों को राहत के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। सितंबर माह में भदोही में हुए भारी बारिश के दौरान नुकसान में हुई जनहानि पीड़ितों को तुरंत भदोही तहसील प्रशासन ने राहत का मरहम लगाया और तहसील भदोही बीडी गुप्ता ने आपदा से पीड़ित लोगों को समय से राहत राज का मरहम लगा दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर राज्य का राजा ईमानदार हो तो उनके अधीन काम करने वाले लोग भी ईमानदार होंगे, जैसा ही भदोही तहसील क्षेत्र में देखने को मिला, जहां आपदा राहत के तहत तहसील प्रशासन ने 1,27,00,000 रुपया पीड़ितों में बांटा है। इधर जो अतिवृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि से 5 दिन की अतिवृष्टि थी, जनमानस हमारा बहुत उसे त्रसित हो गया था। उसमें लगभग 1 दर्जन हमारे निवासियों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे और 3,223 मकान आंशिक रूप से ध्वस्त हुए थे और 3 जनहानि हुई थी उस समय दीवार गिरने से और 3 पशुहानि हुई थी। इन सारे मदों में जनहान के प्रकरण में 4,00,000 उनके प्रभावित जो आश्रित हैं और पक्के मकान में पक्के लिए 95,100 रुपया और जो कच्चे मकान आंशिक जो 15% से अधिक क्षति हुई थी उनमें प्रत्येक के लिए 3,800 रुपया के हिसाब से हमने कुल 1,27,00,000 हमने भुगतान कर दिया है। लगभग 6,50,000 रुपये की धनराशि मुझे और मिलनी है, जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और जिलाधिकारी महोदय की ओर से शासन को पत्राचार किए गए हैं, तो जैसे ही प्राप्त होगी मैं वो भी आवंटित कर दूँगा। ये प्रयास रहा कि लोगों को समय से और हर पीड़ित को उसका जो अंश मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए उसे मिल जाए, ये हमारी टीम ने कोशिश किया है। अगली खबर भदोही जिले से ही है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के अवराई गोपीगंज के मध्य लाला नगर टोल प्लाजा पर यातायात पुलिस की गांजीगिरी देखने को मिली। सड़क सुरक्षा के तहत टोल प्लाजा के समीप सड़क पर उतर कर यात्री कर अधिकारी शारदा कुमार मिश्रा व यातायात पुलिस वासुदेव ओकार सिंह आदि यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने और हेलमेट लगाने की आदत डालने के लिए अनूठा प्रयोग किया। गांधीगिरी के तहत सड़क पर बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों व बिना सीट बेल्ट पहने वाहन चालकों को रोककर गुलाब का फूल भेंट करते हुए कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने व बाइक चालकों को हेलमेट पहनने की अपील की। अधिकारी व यातायात पुलिस की गांधीगिरी देखने के लिए लोग सड़कों पर ठहर भी जा रहे थे। खबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है, जहां आज सोमवार को भदोही कोतवाली पुलिस ने ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया। भदोही कस्बा चौकी इंचार्ज संतोष राय, कांस्टेबल मोहम्मद फिरोज खान सहित हमराइयों संग पहुंचकर पहले चौरी रोड व मेन रोड सहित स्थित बैंकों के आसपास जहां चेकिंग अभियान चलाया, वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसके बाद सोमवार के ही शाम को अजमुल्ला चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान के तहत कई वाहनों का चालान किया गया। इस बीच वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा।